गाइज मोटरोला G52 के बाद अब बारी आती है मोटो G82 5G की। हमने मोटरोला का रिसेंटली लॉन्च हुआ G52 ट्राई किया, डेफिनेटली वो POLED डिस्प्ले के साथ बहुत ही कमाल की चीज है। और उसी की पाइपलाइन में मोटरोला की तरफ से आपको G62 और G42 भी देखने को मिलेंगे, जिसके स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। पहले भाई एक टाइम हुआ करता था जब रियलमी और MI सबसे ज्यादा फोन लॉन्चेस करते थे, लेकिन अभी के लिए रियलमी स्टोर खोलने में बिजी है और MI जो है वो ED को शांत कराने के चक्कर में बिल्कुल चुप है। तो अभी मोटोरोला इज लाइक सबका बदला ले अगर अतरा फजर। तो इसके लिए भी दो सजेशन बनती हैं, एक तो हेलो मोटो और दूसरा है सी यू मोटो, सी यू नेक्स्ट टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन। तो इसका भी जो डिजाइन है वो टिपिकली मोटोरोला की जी सीरीज की तरह ही होगा। मोटोरोला की ई सीरीज अलग होती है, जैसे कल मैंने आपको वीडियो दिया था मोटोरोला E32S के ऊपर, उनका डिजाइन बिल्कुल अलग है और मोटोरोला की जो जी सीरीज है उसका डिजाइन डेफिनेटली पूरा अलग होता है। लेकिन POLED डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बहुत ही कमाल का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मैनेज कर चुके हैं, जो देखने में बहुत ही कमाल का लगता है। सेगमेंट के सबसे अच्छी डिस्प्लेज अभी मोटोरोला बना रहा है 15-16 हज़ार रुपए की प्राइस रेंज में। बाकी बैक डिजाइन में वही पॉलीकार्बोनेट बैक आपको देखने को मिलेगा, ग्लोसी सा बैक ये होने वाला है, वही सेम का सेम G52 वाले पैटर्न को कॉपी करता हुआ नजर आएगा। और चूंकि अभी मोटोरोला ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स की तरफ मूव कर चुका है तो यहाँ पे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। USB टाइप सी होगी और इसी के साथ 3.5mm जैक वाली परंपरा को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा रहा है, जो देख के थोड़ी सी दिल में सुकून मिलती है डेफिनेटली। और अब बात करते हैं इनके मेन हाईलाइट पॉइंट की, और वो डेफिनेटली इनका डिस्प्ले है। 6.6 इंचेस का POLED 10 बिट कलर्स के साथ आपको देखने को मिलेगा ये डिस्प्ले, जहां पे बहुत ही पतले पतले से बेजल्स होंगे और आपकी खुशियां अभी आसमान चढ़ गई है ना, तो थोड़ा सा सुनो कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। मोटो S30 की तरह इन डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोस्ट को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो ये मोटो G52 से भी एक कदम आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon 695 और ये जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल सुना सुना है, क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 11 में भी यही देखने को मिला था, Motorola G71 में भी यही देखने को मिला था, Realme 9 Pro में भी यही देखने को मिला था। और इस प्रोसेसर के साथ काफी सारी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे आप 4K में YouTube कंटेंट नहीं देख सकते, 4K में आप वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छा है, स्पेशली इन 20,000 सेगमेंट, अंडर 20,000 की बात कर रहा हूं मैं। और इसी के साथ ये 6nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस पे मिलता है, 400,000 से प्लस आपको Antutu बेंचमार्क स्कोर भी मिल जाते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है। और क्योंकि एक 5G प्रोसेसर है तो यहाँ पे मोटोरोला उस चीज में तो इट्स लाइक भाई लूट लो। 12 से 13 5G बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इसी के साथ एंड्रॉइड 12। ये तो भाई मोटोरोला की रेसिपी बन चुका है, चाहे 8,000 का फोन लॉन्च करे, चाहे 20,000 का, चाहे 30,000 का, बिल्कुल लेटेस्ट और क्लीन सा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है विद मोटोरोला जेस्चर्स। तो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिपार्टमेंट में आई डोंट थिंक आपको इतना इशू आएगा, क्योंकि 5G भी है और सॉफ्टवेयर में एकदम चेकमेट। और बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और उसके बावजूद भी ये सेगमेंट का सबसे पतला फोन होगा और 33 वोल्ट की चार्जिंग आपको बॉक्स में देखने को मिल ही जाएगी। और मोटोरोला के फोन स्टोक एंड्रॉइड होने की वजह से आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी प्रोवाइड कर देते हैं। मॉडरेट यूजर्स में आपको 8 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड कर सकता है, जो आई थिंक बहुत सही चीज है। और बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की तो यहाँ पे 58.2 ये ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पे ये नॉर्मल वही मेगापिक्सल सेटअप है जो सारे फोन्स में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे सेम दिवाली के साथ सोन पापड़ी को चिपकाया जाता है। पर यहाँ पे जो मेन दाल में तड़के का काम करने वाला है ना, वो है OIS, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। 20,000 के नीचे आज तक आपको किसी कंपनी ने OIS नहीं दिया होगा, 25 के नीचे भी नहीं दिया था लेकिन वो रियलमी ने पॉसिबल किया, अब 20 के नीचे मोटोरोला पॉसिबल कर देगा। और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 1080p 60fps में आप बैक से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p 30fps में आप फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मोटोरोला 4K क्यों नहीं देता, भाई ये मोटोरोला की गलती नहीं है, ये है प्रोसेसर प्रोवाइडर्स की गलती, बेसिकली क्वालकॉम के, ये प्रोसेसर की लिमिटेशन है जो फोन को फॉलो करनी पड़ेगी। और बात करें इसके लॉन्च की तो ग्लोबली ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऑलमोस्ट 7th of June को ही आपको इंडिया में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। उसकी जो प्राइस आउट ऑफ इंडिया निकल गई है वो है 26,500 रुपए, लेकिन इंडिया में 30-40% प्राइजेस कट हो जाते हैं और ये इतना स्टैंडर्ड नहीं है भाई, ये मोटोरोला के केस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके उसकी प्राइस ना 18,000 से 19,000 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट ये 18,999 हो सकती है, लेकिन इस प्राइस रेंज में OIS। और अगर ये वीडियोस के लिए भी काम नहीं कराना तो फोटोज के लिए अच्छा काम कर जाएगा, जैसे Realme 9 Pro Plus करता है। तो दैट्स ऑल यार, इसके साथ कुछ मेजर स्पेशल चीजें लगी, जैसे POLED 120Hz ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 120Hz की हाई रिफ्रेश रेट है और इसी के साथ OIS देखने को मिलता है, और इसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा स्लिम होगा। तो इतनी सारी चीजें और ऊपर से स्टोक एंड्रॉइड चाहिए ना, तो
डेफिनेटली आपकी प्राइमरी चॉइस बन सकता है। बाकी ये जो वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वही चुनिंदा काम कर दे, लाइक और शेयर कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।